आज हम बनाएंगे ब्रेड से बहुत ही टेस्टी और झटपट सा नाश्ता। कुछ स्पेशल खाने का मन हो और दो चार ब्रेड हो ना आपके पास, तो बस इस तरीके से यूनिक और इंस्टेंट सी रेसिपी बनाएं। घर में छोटी मोटी पार्टी हो तब भी आप इस तरीके से बनाएं, या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो भी आप इस तरीके से ब्रेड का नाश्ता झटपट बना के तैयार करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इजी और स्वादिष्ट ब्रेड का बहुत ही यूनिक सा नाश्ता। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 कप बेसन, और जिस कप से नाप करके हमने बेसन लिया उसी से नाप करके हम डालेंगे 1 कप पानी। बस सबको अच्छे तरीके से घोल लेंगे, और ये देखिए हमारा बेसन का घोल बनकर के तैयार है। और अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ पे हम 2 पिंच डालेंगे हल्दी पाउडर, 2 पिंच काश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, और ये डालेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आपको चिली फ्लेक्स नहीं पसंद तो इसकी जगह आप हरी मिर्ची डालें काट करके छोटा छोटा पीस में, या फिर उसका पेस्ट डालें। बस सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, और ये हमारा बेसन का घोल, बेसन का बैटर बन करके तैयार है। बेसन का घोल हमारा तैयार है, और अभी हमें स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है मीडियम साइज़ की 2 उबली आलू, और उबली आलू को हमने मैश कर लिया था। और साथ ही डालेंगे चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, आधा चम्मच ऑरिगेनो, और यहाँ पे हमने लिया है क्यूब वाली चीज़। तो अभी हम इसे ग्रेट करके डालेंगे। तो आधा हम यहाँ पे चीज़ डाल रहे हैं ग्रेट करके। अगर आप चीज़ खाना नहीं पसंद करते तो ना डालें, बिना आप चीज़ के भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमने आधा ही चीज़ डाला है, और आधा हम बचा लेंगे, उसे हम बाद में कैसे यूज़ करेंगे वो बाद में बताएंगे। तो बस नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आप चाहे तो यहाँ पे अपने पसंद की सब्जियाँ डाल सकते हैं। बस सबको अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और ये हमारी स्टफिंग तैयार है। और यहाँ पे हमने लिया है 2 ब्रेड। तो आपके पास 2 या 4 ब्रेड होना तब भी आप इस तरीके से यूनिक और इंस्टेंट सा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। तो 1 ब्रेड पे हम यहाँ पे लगाएंगे सेजवान चटनी। तो ब्रेड की स्लाइस पे अच्छे तरीके से सेजवान चटनी को लगा दें, और दूसरी ब्रेड की स्लाइस पे हम लगाएंगे यहाँ पे मेयोनीज। तो 1 चम्मच मेयोनीज हमने लगा दिया है। आलू की स्टफिंग को हम ब्रेड की स्लाइस पे अच्छे तरीके से फैला देंगे। तो यहाँ पे 1 ब्रेड की स्लाइस पे आपको आलू अच्छे तरीके से फैला देना है बस। और इसी के ऊपर हम डालेंगे यहाँ पे चीज़। तो हमने जो चीज़ बचा के रखी थी ना, इसके ऊपर इसी तरीके से ग्रेट करके डालेंगे। आपके पास जो भी चीज़ हो आप उसे यूज़ करें, चाहे आपके पास स्लाइस चीज़ हो या मोज़रेला चीज़, जो भी हो। तो बस ये मेयोनीज़ वाला जो स्लाइस था ना ब्रेड का, उसके ऊपर से हम रख देंगे और हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे, हल्के हाथ से दबा दें। और अभी हम इसे काट लेते हैं। तो इस तरीके से 2 पीस में इस सैंडविच के जैसा बन करके तैयार होता है। ये देखिए देखने में कितना गुड लुकिंग लग रहा है ना। तो बस यहाँ पे हम इसे बैटर में डालेंगे, जो हमने बेसन का घोल बना के तैयार किया था ना उसमें हम डीप करेंगे। बेसन के बैटर को एक बार अच्छे तरीके से मिला लें, उसके बाद ही ब्रेड को उसमें डीप करें। बेसन के बैटर को अच्छे तरीके से ब्रेड में लगा दें, और उसके बाद आप इसे तुरंत फ्राई करें, बिल्कुल भी इसे रखना नहीं है। जैसे ही डीप करें बेसन में, उसके बाद तुरंत आपको फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमने पहले से ही पैन में तेल डाला था, और तेल गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे आज हम सेलो फ्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल हमने इसमें नहीं डाला है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ का ध्यान देना है कि तेल अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, और जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए उसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर रख दें, और दोनों तरफ से पलट के इसे अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई कर लें। बहुत ही यूनिक स्वादिष्ट और झटपट सी रेसिपी है। हाँ, अगर आपके पास सेजवान चटनी ना हो या फिर मेयोनीज ना हो तो इसकी जगह आप हरी धनिया की चटनी मेयोनीज की जगह लगा सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और ये देखिए हमारा ब्रेड अच्छी तरीके से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो गैस को ना बहुत ज़्यादा तेज करना है ना बहुत ज़्यादा स्लो करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज कर देंगे तो ब्रेड जल जाएगी, और अगर स्लो रहेगा तो ब्रेड बहुत ज़्यादा तेल पी लेगी। तो इसलिए इसको गैस को मीडियम फ्लेम पे करके ही गोल्डन फ्राई करना है। तो यहाँ पे ब्रेड हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, हम इन्हें निकाल लेते हैं, और फटाफट गर्मा गर्म आप सर्व करें। और चलिए अभी हम आपको काट के दिखाते हैं। ये देखिए, कोई देख के नहीं बता सकता कि आपने इसे घर में बनाया है, लग रहा है कि भी मार्केट से लेकर आया। और ये हमारा बहुत ही यूनिक सा ब्रेड से बना नाश्ता बनकर के तैयार है। बस आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें किसी भी चटनी या सॉस के साथ, या फिर बिना चटनी के भी आप खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आपके पास जो भी सामग्री हो उसे आप इस तरीके से ब्रेड का नाश्ता बनाएं, खाएं और खिलाएं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।